कि मचा है खौफ कोरोना वायरस का संसार में, लोग सब तबाह हुई गे ना। छाया खौफ कोरोना वायरस का संसार में, लोग सब तबाह हुए हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई हुई हुई, इसका कहर पहले कहां आया कि पहले कि पहला कहर चीन पर टूटा, सबका खाना पानी छूटा, पहला कहर चीन पर टूटा, पहला कहर कहां पे आ रहा है बड़ा इसका चीन कि पहला कहर चीन पर टूटा, इस सब का खाना पानी छूटा, छुट्टी हुई गए कि छुट्टी हुई गए कि छुट्टी हुई गए चीन के सगरे कारोबार में, सब काम धंधा सब बंद हो गई कि छुट्टी हुई गई चीन के सब ही कारोबार में, लोग सब तबाह हुई गए ना। ये तो पहला कहर चीन पे टूटा, दूजा कहर कहां पे टूटा कि दूजा कहर गिरा इटली पर, न्यूज में देखा दूसरा कहर कहां इटली, इटली पे दूजा कहर, वहां तो बता कब्रें खोदे जा रहे बेचारे, जगह नहीं मिल रही, आदमी कहां दफनाएगा कि दूजा कहर गिरा इटली पर, पत्थर पड़ गए पर दूजा कहर गिरा इटली पर, पत्थर पड़ा सबकी बुद्धि पर, कि दूजा कहर गिरा इटली पर, पत्थर पड़ा कि कांपे लोग नाम सुन के अपने घर द्वार में, जो ही नाम सुना कि भैया तुम्हारे पड़ोस वाली बाजार में आएगा समझ ले थरथराहट चालू, कि कांपे लोग नाम सुन के अपने घर द्वार में, लोग सब तबाह हुई गए ना। मचा है खौफ कोरोना वायरस का संसार में, लोग सब तबाह हुई गए ना। तीसरा नंबर कहां पे आया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुना कि तीसरा नंबर हमारे देश का है, भैया विदेश यात्रा बंद तुरंत व्यवस्था करने लगे, वो तो निपट गए लेकिन यहां आ गया तो आप कैसे, कि तीजा कहर गिरे भारत पर, कांपे रूह नाम ये सुनकर, तीजा कहर गिरे
या कहर गिरी भारत पर कांपे रूह पाटिया सुनकर मोदी योगी बैठे सोच रहे चौपार कहाते बताओ कितनी या कहर गिरी भारत मुख्यमंत्री ने सोचा तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े उपाय बताए कि साफ सफाई अपनाओ, हो सके तो दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार साबुन से हाथ धो, हो सकता है साफ सफाई से ये वायरस ना आए। बहुत बड़े बड़े विचार। और कल भारत बंद की व्यवस्था हो रही है, दवा छिड़की जाएगी बता रहे, इसलिए कहना है लास्ट में कि जीवन अगर बचाना चाहो, क्योंकि लोग कह रहे कोरोना वायरस से बच जाओगे, लेकिन यूट्यूब पे एक और खबर आ रही 29 अप्रैल के इस धरती का विनाश होने वाला है। कोरोना वायरस तेरे बच जाओगे लेकिन 29 अप्रैल को निपट जाओगे तो क्या करोगे? तो ऐसे मतलब ये करो, चक्कर में न पड़ो, चिंता न करो, इधर से बचोगे उधर से नहीं बचोगे, इधर कुआं है उधर खाई, कुआं में नहीं गिरोगे तो खाई में गिरोगे, तो चिंता न करो। इसलिए कहना है एक उपाय है कि जीवन अगर बचाना चाहो साफ सफाई तुम अपनाओ, जीवन अगर बचाना जीवन अगर बचाना चाहो बुद्ध के पांच सील अपनाओ। पांच सील कौन? हत्या नहीं करेंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, जब गंदा पानी नहीं पिएंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे तो वायरस अंदर आएगा भी, जब दारू पिएंगे नहीं, साफ अच्छा सुथरा स्वच्छ भोजन करेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे तो गंदा वायरस भी अंदर हमारे प्रवेश। गंदा कीड़ा कहाँ रहता है? गोबर का गुबड़ेला जो होता है उसको सूरजमुखी के फूल पे अगर पहुंचाओ तो कब बैठेगा? गोबर का गुबड़ेला कहाँ जाएगा? गोबर में। तो वायरस गंदा है तो गंदे लोगों के अंदर जाएगा, स्वच्छ लोगों के अंदर नहीं जाएगा। जीवन अगर बचाना चाहो बुद्ध के पांच सील अपनाओ, जीवन अगर बचाना चाहो साफ सफाई को अपनाओ, आर्यल मोरा ठाड़े कि आर्यल मोरा ठाड़े कहते बीच बाजार में लोग सब तबाह। मचा है खौफ कोरोना वायरस का संसार में लोग सब तबाह
डरने की कोई जरूरत नहीं है, साफ सफाई।